नमस्कार साथियों, मैं प्रभु दयाल हंस, प्रवक्ता हिंदी, एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। प्यारे साथियों, YouTube पर हम एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जो कक्षा दसवीं हिंदी की पूरक पुस्तक कृतिका भाग दो पर आधारित है। कृतिका भाग दो कक्षा दसवीं हिंदी की पूरक पुस्तक है। पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग दो में उसकी अपनी सीमाएँ होने के कारण कुछ पाठ सम्मिलित नहीं किए जा सके, जबकि यह महसूस किया गया कि ये पाठ बच्चों की उम्र, रुचि और योग्यता के अनुसार सम्मिलित होने चाहिए थे, तो इसकी पूर्ति के लिए एक अलग पुस्तक का निर्माण किया गया जिसका नाम रखा गया कृतिका भाग दो। और इस पुस्तक के माध्यम से छात्रों को मनोरंजक कहानियां, लोक संस्कृति से जुड़ी हुई कहानियां, व्यंग्यात्मकता को महसूस करने के लिए जॉर्ज बेंजाम की नाक जैसी कहानियां रखी गई, इन पुस्तकों के माध्यम से यह प्रयास किया गया कि बच्चा अपने आप इन कहानियों को पढ़े, किताबों की दुनिया से जुड़े और साथ ही स्वाध्याय की एक प्रवृत्ति उसमें विकसित हो सके। तो कृतिका भाग दो एक परिचय में आइए देखते हैं कौन कौन से अध्याय हैं और उन अध्यायों में क्या क्या बात बताने की कोशिश की गई है। आइए देखते हैं इसके पांचों अध्याय। कृतिका भाग दो, सबसे पहला अध्याय है माता का अंचल। शिव पूजन सहाय जी द्वारा रचित प्रथम आंचलिक उपन्यास देहाती दुनिया का एक अंश है माता का अंचल। यह याद रखने की बात है, देहाती दुनिया प्रथम आंचलिक उपन्यास है और उसका ही एक अंश माता का अंचल में लिया गया है। माता का अंचल में जो केंद्रीय पात्र है भोलानाथ, उसके माध्यम से यह बताया गया है कि बचपन में वह किस तरह के खेल खेला करता था, पिता के साथ किस तरह की मस्ती करता था, अपने सहपाठियों के साथ किस तरह की शरारतें वह किया करता था, साथ ही लोक संस्कृति का परिचय कराते हुए, लोक भाषा का परिचय कराते हुए लेखक अंत में यह भी दिखाता है कि बच्चा अपने सुख के दिन, सुख का समय भले ही किसी के साथ व्यतीत करे, अपने पिता के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, किसी अन्य के साथ, परंतु जब उस पर संकट का समय आता है तो वह इन सब को दरकिनार करते हुए अपनी माता की गोद को सर्वाधिक सुरक्षित समझता है। इसीलिए पाठ का शीर्षक माता का अंचल रखा गया है। दूसरे पाठ की ओर चलें। जॉर्ज पंचम की नाक, कमलेश्वर जी द्वारा रचित जॉर्ज पंचम की नाक, यह पाठ हमें नाक शब्द को लेकर के जो मुहावरे गढ़े हुए हैं उनमें नाक से तात्पर्य इज्जत से लिया जाता है। यहां भी जॉर्ज पंचम की नाक नामक इस अध्याय में नाक से तात्पर्य इज्जत से ही लिया गया है। जॉर्ज पंचम की टूटी हुई नाक पूरे भारतवर्ष की नाक का प्रतीक बन जाती है। वह यह सिद्ध करती है कि आज भी हम आजाद होने के बाद भी गुलामी मानसिकता से आजाद नहीं हो पाए हैं। आज भी विदेशी हमें इज्जत का प्रतीक दिखता है और अपने स्वयं के देश की, अपने समाज की, अपने व्यक्ति की हमें कोई इज्जत दिखाई नहीं देती। तो एक व्यंग्यात्मकता लिए हुए जॉर्ज पंचम की नाक अध्याय यहां रखा गया है। तीसरे अध्याय की हम बात करें, यह एक यात्रा वृतांत है। मधु कांकरिया जी ने इसे लिखा है और साना साना हाथ जोड़, ये नेपाली भाषा की प्रार्थना की एक पंक्ति शीर्षक के रूप में ली गई है। साना साना माने छोटे छोटे हाथ जोड़, हाथों को जोड़कर बच्चे प्रार्थना करते हैं, तो ये पंक्ति नेपाली भाषा से ली गई है। इस यात्रा वृतांत में लेखिका महानगरों के जीवन से उब कर प्रकृति की गोद में कुछ दिन बिताने के उद्देश्य से सिक्किम की राजधानी गंगटोक पहुंचती है और वहां से कटाव इत्यादि हिमालय के जो दुर्गम क्षेत्र हैं उनकी यात्रा करती है।
मधु कांकरिया जी इस यात्रा वृतांत के माध्यम से ना केवल गंगटोक का वर्णन करती है, हिमालय की सुंदरता का वर्णन करती है, बल्कि वहां रह रहे लोगों के जीवन की मुश्किलों का भी वर्णन करती है। जिन ऊंचे ऊंचे रास्तों पर चढ़कर हम हिमालय की सुंदरता निहारते हैं, उन रास्तों को बनाते हुए किस तरह लोगों ने अपने प्राण अर्पण कर दिए, किस तरह आज भी लोग उन जगहों के संकटों से दो चार होते हुए अपना जीवन जीते हैं, किस तरह से दुख दर्द से भरा हुआ उनका जीवन, वहां पहुंचकर हमें जमीनी हकीकत से रूबरू कराता है। तो ये मधु कांकरिया जी का साना साना हाथ जोड़ एक शानदार यात्रा वृतांत। इसके बाद चौथा जो अध्याय है, यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, यही माने यहां, ठैया माने जगह, झुलनी माने नाक की लौंग, हैरानी से तात्पर्य है खो गई, हो रामा, हे राम जी, भगवान के लिए ये शब्द लिया गया है कि हे राम, इसी जगह पर मेरी नाक की झुलनी खो गई है। शिव प्रसाद सिंह मिश्र जी, जिन्हें रुद्र के नाम से भी जाना जाता है, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, इनकी एक बड़ी सुंदर कहानी है, यही ठैया झुलनी है रानी हो रामा। ये जो कहानी है ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौर में टुन्नू और दुलारी के प्रेम को दर्शाती हुई, व्यक्तिक प्रेम से देश प्रेम की ओर बढ़ती हुई कहानी है। इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार दो गायकों में आंतरिक प्रेम उभरता है, आत्मिक प्रेम किस तरह देशभक्ति में बदल जाता है। उस घटनाक्रम को शिव प्रसाद मिश्र रुद्र जी ने बड़े ही रोचक ढंग से, मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। और पांचवा अध्याय है, मैं क्यों लिखता हूं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी द्वारा रचित यह निबंध मैं क्यों लिखता हूं। मैं लेखक बात करते हैं कि कोई भी लेखक क्यों लिखता है, उसके लिखने का उद्देश्य क्या होता है। बड़ी बारीकी से इसमें विश्लेषण करते हुए अज्ञेय जी बताते हैं कि किसी भी लेखक के लिए लिखने के दो कारण होते हैं, एक उसकी आंतरिक व्यवस्था और दूसरा उसकी बाहरी व्यवस्था। किस तरह यार दोस्त उलाहना देकर के कुछ लिखवा लेते हैं, कोई आर्थिक संकट है उसको दूर करने के लिए लेखक को जबरदस्ती लिखना पड़ता है, किसी प्रकाशक का दबाव जबरदस्ती लिखवा लेता है, ये बाहरी व्यवस्थाएं हैं। परंतु कहीं किसी घटना को देखकर हम अनुभूति का जब एहसास करते हैं तो हमारी आत्मा हमें कचोटने लगती है और धीरे धीरे हमें लगने लगता है कि जब तक तुम इस पर कुछ लिख नहीं लोगे तब तक तुम्हारी आत्मा की मुक्ति नहीं होगी। यह किसी भी लेखक की आंतरिक व्यवस्था होती है। तो इस निबंध में अज्ञेय जी ने बड़े ही अच्छे ढंग से किसी लेखक की आंतरिक व्यवस्था और बाह्य व्यवस्था के बारे में बात की है। अपने जीवन में अपने अनुभवों को लेकर वे इस निबंध को बड़े ही शानदार तरीके से लिखते हैं और किसी भी लेखक की भावनाओं को समझना ज्यादा आसान हो जाता है। तो कृतिका भाग दो में ये पांच अध्याय सम्मिलित किए गए हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। तो प्यारे साथियों, अगले वीडियो में हम इन पाठों में से एक एक पाठ का मूल पाठ, उनका मूल रूप आपके बीच प्रस्तुत करेंगे, प्रयास करेंगे कि उनके कठिन शब्द भी आपको बताए जाएं और उसका सरलार्थ भी आपको समझाया जाए। आज इतना ही, इसके बाद हम जो माता का अंचल पाठ है उससे संबंधित वीडियो शुरू करेंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं इस बात के लिए कि आप लगातार हमें देखते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं। अति शीघ्र मिलते हैं, आप सभी को नमस्कार।